ऑपरेशन कर लिया, ताज होटल के आतंकवादी भी मार लिए, पर हिंदुस्तान के अंदर जो नेता नगरी के साथ जो लड़ाई अहताक हुई वो ज्यादा आप लोगों को पता चलेगा, इंटरेस्टेड लगेगी क्या ऐसा भी होता हिंदुस्तान में। उस हमले के बाद जिन लोगों ने गोलियां नहीं चलाई, जिन लोगों के पास हथियार नहीं थे, जो लोग उन होटलों के नजदीक भी नहीं गए, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूं, आप लोग सब जानते होंगे करकरे काम पे कैसे कैसे नाम निकल के आए और उन लोगों को अशोक चक्र दिए गए, जो जनपद के ऊपर 10 जनपद के ऊपर सरकार की सेवादारी कर रहे थे, कांग्रेस के कुत्ते बिल्ली घुमा रहे थे, उन लोगों को गैलेंट्री अवार्ड मिले। उस हमले में 60 बंदों को ताज होटल में चोट लगी, 2 बंदों को नैरीमन हाउस में चोट लगी, एनएसजी के कमांडो को सब लोगों ने देखा, और हम लोगों को किसी को भी गैलेंट्री अवार्ड नहीं दिया गया। जब वो बात पब्लिक के सामने आई, अब एनएसजी के कमांडो मांग रहे इंसाफ, देशभक्तों का दर्द, तो सबसे पहले इस झारखंड की धरती के वीर दिनेश साहू को बैक टू यूनिट भेज दिया गया, जोधपुर जैसलमेर भेज दिया गया वहां से। उसके बाद जिनकी नौकरी पूरी हो रखी थी उनसे लिखवा के उनको पेंशन भेज दिया गया। मेरी नौकरी पूरी नहीं थी, मेरी नौकरी 14 साल 3 महीने थी, और मैं सारे सैनिक भाई अच्छे से समझते होंगे, आप लोग भी सब जानते होंगे, अब तकरीबन फौजी 15 साल के अंदर पेंशन आता है, मुझे मेडिकल बोर्ड आउट भेज दिया, मेडिकल बोर्ड आउट भेज दिया, ठीक है एक प्रक्रिया है, पर उसके 14 महीने तक 1 रुपया भी मुझे पेंशन नहीं दी गई, ना ही मेरा इलाज करवाया गया। जिस दिन कसाब को फांसी लटकाया उस दिन मैंने मीडिया के अंदर आके बताया, जो देश का दुश्मन है इसके ऊपर मौजूदा सरकार ने 54 करोड़ रुपए लगा दिए और मुझे पेंशन नहीं मिल रही, मैं लड़ने गया, मेरा 3 दिन का बेटा था, मैं गरीब किसान का बेटा हूं, मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, आज मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूं, मैं दूध बेच के अपना गुजारा कर रहा हूं। तो देश भर की मीडिया ने उसको दिखाया और कांग्रेस सरकार की उस टाइम काफी फूतू हुई, झूठ बोलने लगे। सूचना एवं प्रसारण मंत्री, देश के सूचना एवं प्रसारण मंत्री एक जवान के सामने आके खड़े हो गए, हम इसको 25,000 रुपए तनख्वाह दे रहे हैं, 50 लाख रुपए दे दिए, पर मेरे खाते में 1 रुपया भी नहीं था, और पिछले 8 महीने से कोई लेना देना ही नहीं हो रखा था खाते में। तब डीजीएनएजी ने बोला जो 26/11 का हीरो है उसका क्लेम सही है, ये हमारे पास डेपुटेशन पे था, और इसको मेडिकल बोर्ड आउट कर दिया गया। उसके बाद यही गृह मंत्री ने बातें बोली, उसके बाद रक्षा मंत्री ने बोला अब हमने इसका पैसा मंजूर किया, इसको दिया नहीं है। उसके बाद भी लड़ाई चलती रही, इसको क्या देना है नहीं देना है।